महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। केंद्रीय अर्थ संकलन वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बनाया है, जो ऐसा लगता है कि खूब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा करना है और उसी को ध्यान में रख के बातचीत की गई है। जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं उसके ऊपर कहीं पर भी हमें छूट दिखी नहीं। निश्चित रूप से आज ऑप्टिकल फाइबर की बात करें या एक टीवी चैनल एक क्लास की बात करें, ये अच्छी बातें हैं और इससे फायदा होगा समाज को, मगर व्यापारी का क्या? आज व्यापारी इनकम टैक्स में TDS के जो प्रॉब्लम्स है, TCS के प्रॉब्लम्स है, ई कॉमर्स के जो प्रॉब्लम है, या जो बैंकों की ब्याज की दरें हैं, ये अगर कम नहीं होगी, ऋण व्यापारियों को उपलब्ध नहीं होगा, तो आगे स्वरोजगारी कैसे तैयार होंगे ये सोचना है। आप स्टार्टअप को करिए प्रमोट, मगर जो जमीनी तकलीफें हैं उनके लिए इंक्यूबेशन का क्या है, क्यूरेशन का क्या है, उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि जमीन से इसको ऊपर उठाया जाए तो एक अच्छा भारत देश निर्मित होगा। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।